भाजपा में मंत्री पद की जिम्मेदारी मिलने के बाद हरदीप सिंह बाबा महाकाल के दर्शन करने पहुंचे। मंत्री हरदीप सिंह डंग पहुंचे बाबा महाकाल के दर्शन करने। कांग्रेस से भाजपा में आए हरदीप सिंह डंग को मंत्री पद की जिम्मेदारी मिलने के बाद वे विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए नंदी हॉल से ही बाबा के दर्शन किए। महाकाल मंदिर के पंडित ने उन्हें बाबा को चढ़ा हुआ वस्त्र उड़ाया। मीडिया से चर्चा में हरदीप सिंह डंग ने कहा कि वह बड़े किस्मत वाले होते हैं जिन्हें बाबा महाकाल का दर्शन करने का अवसर मिलता है। मेरी पढ़ाई उज्जैन में हुई है, इसलिए मुझे उज्जैन से लगाव है। मैंने बाबा से प्रार्थना की है कि देश व प्रदेश का विकास हो, अमन चैन बना रहे, भारतीय सैनिकों का मनोबल बढ़े, चीन और पाकिस्तान से डटकर मुकाबला करें। दिग्विजय सिंह व कमलनाथ पर कहा कि अब इन लोगों के पास बोलने के सिवा कुछ नहीं बचा है। मंत्रालय को लेकर कहा कि मुझे जो जवाबदारी मिलेगी मैं उसे बखूबी निभाऊंगा, जो शीर्ष नेतृत्व चाहेगा वही होगा। महाकाल के दर्शन करना आपका एक बहुत शक्ति की बात होती है और किस्मत वाले हैं तो महाकाल के दर्शन करते हैं। और सबसे ज़्यादा खुशी कि महाकाल की नगरी में मेरी पढ़ाई जो ग्रेजुएशन हुआ है वो महाकाल की नगरी माधव कॉलेज में हुआ। और यहाँ पर जब दर्शन करने आते थे तो आनंद होता था। आज मंत्री बनने के बाद जो यहाँ पर दर्शन करने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है तो महाकाल के चरणों में यही प्रार्थना करी है कि देश प्रदेश विकास के रास्ते पर जाए, सुख शांति रहे, अमन चैन रहे। और वर्तमान के जो माहौल है, जो चीन पाकिस्तान लगातार जो सेनाएं संघर्ष कर रही है, सैनिकों को हिम्मत दे, पूरा देश उनके साथ खड़ा है। और देश मोदी जी के नेतृत्व में जो आगे बढ़ रहा है, इसलिए हम सब मिलकर उनके स्वस्थ रहने की कामना करते हैं।